इस गाड़ी की हालत देखकर यह अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि यह कौन सी गाड़ी है। यह गाड़ी देर रात बिहार से आ रही थी, जो बारातियों के साथ दूल्हा दुल्हन को लिए हुए थी। देर रात फतेहपुर में थरियाओं थाने के थरियाओं मोड़ के पास NH2 पर सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि इस इनोवा कार में सवार 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जिसमें 3 महिलाएं, 1 बच्ची और 1 ड्राइवर है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिसमें दूल्हा दुल्हन है। कितने लोग थे गाड़ी में? 8। ग्वालियर जा रहे थे? नहीं, बिहार से जा रही है, ग्वालियर। शादी थी आपकी? कब शादी हुई है? शाम का। कितने लोग मरे? यह घटना देर रात की है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर JCB मशीनों से गाड़ियों को अलग कराया और घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। ये घटना है, इनोवा गाड़ी थी, एक MP07 BA2991। ये उधर कानपुर, इलाहाबाद से कानपुर तक जा रही थी और इधर से कानपुर की तरफ से एक ट्रक जा रही थी। दोनों आमने सामने लड़ गए हैं और उसमें जो है इनोवा गाड़ी में 8 लोग बैठे थे। कहाँ से आ रहे थे लोग, कहाँ जा रहे थे? ये रोहतास बिहार से ग्वालियर जा रहे थे, ग्वालियर शादी थी उसमें करके आ रहे थे। तो उसमें जो है 5 लोगों की ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी और बुरी तरह से फंसी हुई थी गाड़ी खींच कर। हम लोग 3 महिलाएं मरी हैं, 1 छोटी बच्ची मरी है, 1 ड्राइवर मरा है। घायलों में से एक की हालत गंभीर होने पर उसे कानपुर रिफर कर दिया गया है। फतेहपुर से जितेंद्र विश्वकर्मा, न्यूज 75.in।